फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आयुर्वेदिक काढ़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दी का मौसम आ रहा है, दोरस मौसम में सर्दी जुकाम बुखार होना अनिवार्य है, तो उससे बचने के लिए हम काढ़ा बनाएंगे। ये काढ़ा हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद होता है, तो इस रेसिपी को आप लास्ट तक देखिए। अगर ये इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली काढ़ा की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए फटाफट हम काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। काढ़ा बनाने के लिए हमने एक पैन ले रखा है, गैस को हम ऑन करेंगे और इसमें हम डालेंगे 750 ग्राम पानी। ग्लास से ये 3 ग्लास पानी है, इससे हम 4 जने के लिए काढ़ा बना के तैयार करेंगे। पानी को हम उबलने देंगे और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे दालचीनी एस्टिक। तो हम एस्टिक को 2 से 4 टुकड़े में तोड़ के डालेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे तोड़ लिया है। उसके बाद हम इसमें 2 तेज पत्ती डालेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला होता है। यहाँ पे हम 4 से 6 लौंग लिए हैं। हम काढ़े में 4 छोटी वाली इलायची यानी कि हरी इलायची डालेंगे, 10 से 12 ब्लैक पेपर, काली मिर्च और 1 बड़ी वाली इलायची। तो इसे हमें थोड़ा सा क्रश करके डालना है जिससे सारे फ्लेवर अपने काढ़ा में आ सके। तो यहाँ पे हम 1 खल लिए हैं और इसमें इन तीनों सामग्री को डाल देंगे और इसे हम दरदरा कूटेंगे। ज्यादा पाउडर नहीं बनाना है क्योंकि अगर हम बच्चे को देते हैं तो ये मुंह में आएगा, तो हम दरदरा ही कूट के डालेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने दोनों इलायची ब्लैक पेपर को दरदरा कूट लिया है। अब हम इसे पानी में छोड़ देंगे। साथ में हम डालेंगे इसमें अदरक। तो यहाँ पे हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। एक ग्रेटर की मदद से इसे हम ऐसे घिस लेंगे। अदरक को हमें इसे ग्रेट करके डाल देना है। आप चाहें तो कूट के भी डाल सकते हैं, पर इसका सारा फ्लेवर पानी में आना चाहिए। अब हमने लिया है कच्ची वाली हल्दी। हल्दी को भी हम ग्रेटर की मदद से घिस लेंगे। सबको पता है हल्दी में एंटीबायोटिक रहता है, खांसी जुकाम के लिए बहुत ही बढ़िया औषधि है। बॉडी में दर्द हो तो भी हम हल्दी खाते हैं, कफ हो उसमें भी फायदा करता है। अगर आपके पास कच्ची वाली हल्दी नहीं है तो घर में सूखी हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। हमने हल्दी को ग्रेट किया। अब इसमें हम डालेंगे तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता सबके घर में अवेलेबल होता है। अगर आपको छोटी वाली तुलसी पत्ता मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, उसका फायदा ज्यादा होता है, नहीं तो कोई भी चलेगा। तुलसी पत्ता भी खांसी में बहुत फायदेमंद है। अब हम टेस्ट को बढ़ाने के लिए गुड़ डालेंगे यानी कि जैगरी। हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से उबलने देंगे। आप देख सकते हैं अपने काढ़ा में अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब हम काढ़ा को ढक के 10 से 15 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, तभी सारे सामग्री का फ्लेवर पानी में आएगा और ये फायदा करेगा। तो हमें फ्लेम स्लो कर देना है और कवर करके इसे 10 से 12 मिनट तक उबलने देना है। 12 मिनट हो चुके हैं, चलिए अपना काढ़ा चेक कर लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो काढ़ा का स्टीम भी ले सकते हैं, इससे इंफेक्शन जल्दी कट जाता है। तो ऐसे ढक्कन को आप टेढ़ा कर सकते हैं और जो स्टीम निकल रहा है उसको ऐसे ऐसे करके अपने फेस पे ले सकते हैं, इससे बहुत जल्दी इंफेक्शन कट जाता है। तो काढ़ा तैयार है, चलिए हम इसे छान लेते हैं। फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे और इसे छान लेंगे। तो हमने 4 जनों के लिए काढ़ा बनाया है, 4 ग्लास लिया है। स्ट्रेनर की मदद से हम काढ़ा को छान लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया आयुर्वेदिक काढ़ा बनाना कितना आसान है और इसमें से हम बच्चों को 1/2 ग्लास, 2 साल के शिशु को 4 से 5 चम्मच दे सकते हैं। ये काढ़ा सभी के लिए फायदेमंद है और इसे हम सिप करके पियेंगे तो और ज्यादा फायदा करेगा।
काढ़ा गर्म होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस काढ़ा को आप भी बनाइए, अपने इम्यूनिटी को बढ़ाइए। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।